हेलो दोस्तों, मेरा नाम चौहान सिंह राजपूत, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो हम शूट करते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं तो सिंपली हमें अपलोड करने के लिए दोस्तों हम क्लाइंग मास्टर यूज करते हैं, और यूज करने के बाद से अगर हमारा वीडियो लंबा हो जाता है या ज़्यादा एमबी का हो जाता है तो क्लाइंग मास्टर क्यों नहीं सपोर्ट करता है और सपोर्ट कर नहीं पाता है, तो वही आज हम सेटिंग बताएंगे कि ताकि कोई भी आपका वीडियो है वो सपोर्ट कर ले और आप अपना वीडियो अच्छा से एडिटिंग कर सके और अपलोड कर सके। तो दोस्तों, सिंपली हमें अपना क्लाइंग मास्टर ओपन कर लेना है। अगर आप लोग ओपन नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं अपना क्लाइंग मास्टर ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद से दोस्तों हमारा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद से यहाँ पे सिंपली हमें प्लस वाले पे ओपन करना है। प्लस करने के बाद से यहाँ पे 16 अपना यूट्यूब का जो भी है प्रोसेस उस पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली अपना पहले बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए, मैं वाइट बैकग्राउंड ले लिया। और दोस्तों ये देखिए, मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करने को सोच रहा हूँ तो वो वीडियो हमारा मतलब क्लाइंग मास्टर सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाला मेरा वीडियो ऐसा प्रोसेस आ रहा है, तो इसको कैसे हम सही करें, ताकि कौन सा सेटिंग करें कि हमारा वीडियो सही हो जाए, तो सिंपली हमें यहाँ से बाहर निकलना है। दोस्तों बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के बाद से वहाँ से आके सिंपली हमें ऐसे यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग का दिख जाएगा, वहाँ पे उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से सिंपली दोस्तों हमें नीचे आना है, नीचे की तरफ से मूव करना है। मूव करने के बाद से सिंपली पूरा मूव करना है। ये देखो दोस्तों, मैं पूरा मूव कर दिया हूँ और यहाँ पर लिखा है एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंट सेटिंग, इसको सिंपली हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे हमें फिर से दोबारा क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे 30 FPS, तो इसको हमें सिंपली, मेरा ऑन है तो आप लोग भी ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद से सिंपली हमें यहाँ से बाहर आना है, और बाहर आने के बाद से दोस्तों सिंपली हमें फिर से ऊपर की तरफ मूव करना है। मूव करने के बाद से नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे सिंपली लिखा है दोस्तों, हमें थर्ड वाले ऑप्शन में ओपन करना है। थर्ड वाले ऑप्शन में ओपन करने के बाद से यहाँ पे देखिए सिंपली हमारा आ जाएगा 18, जो भी हमारा सेटिंग किया हुआ है उसको सिंपली हमें एक बार उसको छोड़ के, हमें यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, हमें उससे एक बार ओपन करना है। डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लिखा है रन न्यू, इस पर न्यू कर देंगे। न्यू करने के बाद से फिर से यहाँ पे न्यू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा कुछ अपलोड होने लगा या जो भी प्रोसेस है उसमें का रिमूव होने लगा, तो हमें सिंपली इसे रिमूव होने देना है जितना देर रिमूव होना है। ये देखिए दोस्तों, अपलोड होके यहाँ पे आ गया है, जो भी डाउनलोड हो रहा था आई होप हो गया। अब इसको सिंपली हमें यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलते समय, बाहर निकल के फिर से हमें सिंपली वहीं पर जाना है जहाँ पर हमें प्लस वाले आइकन पर ऑन करना है, और फिर से यहाँ पे इंटरफेस करना है, और फिर से हमें जो बैकग्राउंड लेना है बैकग्राउंड पहले ले लेंगे, और उसके बाद से सिंपली कोई भी वीडियो आप ले सकते हैं। तो हमारा सब कुछ अपलोड हो गया, और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि जो अपना क्रिएट नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कोई भी वीडियो अपना ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो ओपन हो गया और मैं इसको चालू भी करके दिखा देता हूँ। सोसाइटी से जहाँ पे हम लोग रहते थे, और हम लोग आप लोग देख ही रहे होंगे कि दोस्तों ये वाला वीडियो चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था और पहले सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा एमबी का था। इसके लिए इसमें कुछ ना कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम था, इसके लिए आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिले। और दोस्तों ऐसे ही आप प्यार दें और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।